जी 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 क्या जो हमारे पास अवेलेबल सोर्स हैं वो मैनिपुलेट होते हैं क्या आप ये कह रहे हैं तो एक्टर डिजिटल यार इट इज नॉट अबाउट मैनिपुलेशन। अब जो सोर्स है वो एक्चुअली जिन्होंने पिक्चर बनाई है वही सोर्स बनता है बिकॉज सिर्फ उनके पास पहली इन्फॉर्मेशन आती है तो देयर इज नोबडी टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट ना अगर हो भी रहा है मैनिपुलेट या नहीं हो रहा है आप कैसे अगर मान लीजिए ट्रेड के गाइस में इन्फॉर्म करते हैं तो अलग-अलग के पास देखिए अगर आपको एक नंबर दिया जा रहा है आपके पास एविडेंस होनी चाहिए ना बोलने को कि मैनिपुलेट हुआ है तो वो एविडेंस कहाँ से है कि कोई ऑफिशियल सोर्स है। अगर आपको नंबर नहीं पसंद है आपने बोल दिया तो मैं कैसे मान लूँ या आपको लगता है कि ये सही नहीं बोल रहा मैं कैसे मान लूँ। इवेंचुअली देयर हैज टू बी अ लीगल ऑफिशियल वे ऑफ पुटिंग दैट नंबर अक्रॉस ताकि ऑडियंस को भी पता है कि ये ऑफिशियल नंबर है और प्रोड्यूसर ने ये बोला था पर वो ऑफिशियल नंबर हमारे पास है नहीं। तो रेंट्रैक जैसी चीज़ जो पूरी दुनिया में पाई जाती है हमारे ओवरसीज़ के फिगर रेंट्रैक ही हैंडल करता है। तो आप अगर हमारे ओवरसीज़ के नंबर्स देखेंगे चाहे वो यूएई हो चाहे वो यूके हो चाहे यूएस हो रेंट्रैक डील्स विद ऑल आर नंबर्स तो देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन दैट। आज तक आपने ये नहीं सुना कि ओवरसीज़ में हमने सुना है 4.2 किया या 4.6 किया आपको वही वो डिस्पैरिटी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं रेंट्रैक आना बहुत अच्छी चीज़ है मीडिया के लिए ताकि tomorrow if we make a false claim you can catch us out there is evidence for the producers to know what they are supposed to say rather than announcing on one night before take the morning and then announce it। जल्दबाजी कम हो जाएगी गलत नंबर शायद कम निकलेंगे और बहस कम होगी। आज क्या होता है ना कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है तो एक यहाँ से नंबर आता है एक वहाँ से काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है एक बोलता है इसने झूठ बोला एक बोलता है नहीं ये करेक्ट नंबर है वो सब शायद बंद हो जाए और हम फिल्म पे ध्यान दे पाए जो जिसके लिए हम काम करते हैं। To begin with, because like he said, it takes time to seep into. Like I keep saying, we have a huge number of theatres in the country. We have a huge number of single-screen theatres. It will take them time to interact one-on-one with these people to get them to feel comfortable to share figures. एक journey होती है. What he did say is the multiplexes are more than willing. That's about 50%. That's a good start. At least you know 50% is going to be straightforward, and hopefully within a year. Hopefully with the support of the film industry, with the support of the theatre owners, the transparency improves and it will become easier for all of us to move beyond discussing picture ne business kitna kiya। जी आप कुछ पूछ रहे थे। तेवर के ट्रेलर को ट्विटर पर अपलोड करने की कोई खास वजह? तेवर के ट्रेलर को नहीं किया मैंने तेवर के पोस्टर को मैंने अपलोड किया था। उसकी खास वजह यही थी कि मैं पहली बार जब ट्विटर पे आया था मुझे थोड़ा डर सा था कि इंटरेक्शन कैसी होगी तभी पर अब मुझे मज़ा आता है ट्विटर पे। मैंने सोचा ये शायद ऐसी पिक्चर है जहाँ पे आई वुड लाइक टू नो द फीडबैक इमीडिएटली फ्रॉम ऑडियंसेस ना कि वेट करे कि 3-4 दिन बाद क्या पता लगे और जिनके लिए पिक्चर बनाते हैं उनको पहले दिखाना चाहिए। इट्स बिन वेरी वेरी नाइस आई मीन आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज। बहुत इंटरेक्शन हुआ उसको लेकर जैसे दे रिएक्टेड टू द मोशन पोस्टर दे रिएक्टेड टू बोथ दैट पोस्टर्स। एक पोस्टर में उनको एक सर्टेन वे लगा बेल वाले पोस्टर में उनका सर्टेन रिएक्शन आया तो एटलीस्ट यू नो देयर आर सर्टेन पीपल हु आर इन अवेयर ऑफ योर फिल्म ऑलरेडी एंड इट्स जस्ट वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए आपके फैन बेस में सोनाक्षी के फैन बेस पे पीपल हु हैव सीन ओकड़ू दी ओरिजिनल दे कैन सी इट एंड से अच्छा चलो हमको लग रहा है वी आर डूइंग जस्टिस टू इट। आपको भी उसी के द्वारा आजकल न्यूज़ तो सारी ट्विटर से ही मिलती है अगर मैं आज फोटो लगा दूँ तो पहले ट्विटर पे आप ही उठा के फिर ही डालोगे तो आई थिंक इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद आवर ऑडियंसेस टू गेट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।